हमने लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट और एनोड रे एक्सपेरिमेंट, ओके, कैनाल रे एक्सपेरिमेंट। तो अभी तो भाई डिस्कवरी हो गई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें बात ये थी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, वो बात तो हो गई। अभी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी तो हो गई, लेकिन साइंटिस्ट अब ये सोचने लग गए, साइंटिस्ट अब ये सोचने लग गए कि भाई वो जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है एटम में, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन जो है वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है एटम में। तो इस बात का आंसर जो ये थॉमसन ने सबसे पहले दिया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसको हम जे थॉमसन मॉडल बोलते हैं, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। सबसे पहले जे थॉमसन ने इसको बताया, जिसको हम लोग जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के नाम से जानते हैं। उन्होंने क्या बोला कि एटम जो है, एटम का स्ट्रक्चर कुछ स्फेरिकल शेप में है, मतलब जो एटम है वो स्फेरिकल शेप में है और उसमें पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड है, पॉजिटिव चार्ज चारों तरफ स्प्रेड है और इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर एम्बेडेड है, इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर एम्बेडेड है, ओके। सो पॉजिटिव चार्ज आर स्प्रेड ओवर स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन दैट, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव रहेगा तभी वो न्यूट्रल हो पाएगा। मतलब उन्होंने बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऊपर से, मतलब इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर ऑलरेडी एम्बेडेड है, इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर ऑलरेडी एम्बेडेड है और पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर स्प्रेड किया गया। उन्होंने एक एग्जांपल लिया और जैसे एग्जांपल आप ले लो रेजिन्स, रेजिन्स पुडिंग के ऊपर जो रेजिन्स होता है, ठीक है, जिसको इन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला, प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल। अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वाटरमेलन, तरबूज। वाटरमेलन में आपने देखा रहेगा जो उसका सीड्स रहता है, दैट सीड्स आर पॉजिटिव चार्ज विच आर स्प्रेड ओवर वाटरमेलन और पूरा वाटरमेलन जो पार्ट हम खाते हैं वो दैट इज इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर एम्बेडेड है और प्रोटॉन्स यानी कि पॉजिटिव चार्ज है वो सीड्स के जैसा स्प्रेड है उसके ऊपर, वाटरमेलन के ऊपर, एक सिंपल एग्जांपल। और ये या फिर दूसरा जो प्लम पुडिंग मॉडल, मतलब केक है, एक केक के ऊपर हमने चेरीज किसमिस दैट इज रेजिन्स वगैरह डाल रखा है, तो वो रेजिन्स वगैरह चेरीज वगैरह क्या है, पॉजिटिव चार्ज और पूरा का पूरा केक जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है। तो ये एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। तो ये बात बताई जे थॉमसन ने, लेकिन ये ज्यादा दिन तक चला नहीं, ये फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि रदरफोर्ड ने इसको एक अलग तरीके से बताया, जिसको हम लोग रदरफोर्ड मॉडल बोलते हैं, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, और हम उसको डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के नाम से, सॉरी डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के नाम से भी जानते हैं, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के नाम से भी जानते हैं। तो आइए देखते हैं हम रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, जब तक मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब देखते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने जो एटम का मॉडल दिया वो मैंने यहां पर आपको स्टिक कर दिया है, मैं इसको एक्सप्लेन करूं। रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड साइंटिस्ट जो थे हमारे, अर्नेस्ट रदरफोर्ड इन 1911 उन्होंने एक अलग ही मॉडल दिया। रदरफोर्ड ने क्या किया, आपको एक्सपेरिमेंट सेटअप दिख रहा है, मैं एक्सपेरिमेंट सेटअप में बता दूं। उन्होंने यहां पे एक लीड का शील्ड लिया जिसके अंदर उन्होंने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं बेटा, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो एटमॉस्फेयर में अपने आप डीकम्पोज हो जाता है, एटमॉस्फेयर में टूटने लगता है और वहां से रेज निकलते हैं, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज। तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उस एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल्स निकाल रहे थे, अल्फा पार्टिकल्स, मैंने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बता चुका हूं, ऐसा सब्सटेंस जो अपने आप डीकम्पोज हो,
एग्जाम्पल हो गया फ्रांसियम, रेडियम, पोलोनियम. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. और फ्रांसियम की हाफ लाइफ टाइम जो है ना वो 25 मिनट्स ही होती है. इतना जल्दी ये एटमोसफेयर में डिकम्पोज होते जाते हैं. अगर एटमोसफेयर में रख देंगे तो ये गायब होते जाएंगे, डिकम्पोज होते जाएंगे, मतलब वहां से क्या होगा, रेज निकलना चालू हो जाएगा. तो अल्फा पार्टिकल जो है ना बेटा, वो अगर अल्फा पार्टिकल आपको नहीं पता है तो आप जान लो, अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट पॉजिटिव पार्टिकल्स. पॉजिटिव पार्टिकल्स क्या? अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल, ठीक है. और इसका सोर्स क्या है? तो पोलोनियम से बहुत अच्छा मिलता है. जो हमारा पोलोनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसका जो आइसोटोप है, आइसोटोप ऑफ पोलोनियम विच इज 214 एटॉमिक मास है, वहां से अल्फा पार्टिकल मिलता है. तो द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल इज पोलोनियम. मतलब पोलोनियम को हमने रखा शील्ड के अंदर और वहां से अल्फा पार्टिकल्स निकला. अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिव पार्टिकल है, जिसको हम लोग अल्फा पार्टिकल को हम लोग इस तरह भी दिखाते हैं, He2, 4 इस तरीके से भी हम दिखाते हैं. किसको? अल्फा पार्टिकल को, ठीक है, He2, 4, ठीक है. और मैं एक्सपांड कर देता हूं आपको अल्फा पार्टिकल. जैसे देखिए हीलियम है, जब ये हीलियम ब्रेक डाउन होगा तो ये देता है He2+ +2 इलेक्ट्रॉन माइनस. मतलब इस हीलियम से मैं इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा हूं, ये जो हीलियम एटम है यहां से मैं इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा हूं. जब इलेक्ट्रॉन को निकालूंगा तो वो पॉजिटिव चार्ज देगा, ठीक है, He2+. तो यहां जो He2+ मिला हमको, मतलब इसी को हम लोग इंडिकेट करते हैं He2+4 से, या हम इसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल. तो अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट बेटा, अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पार्टिकल. अल्फा पार्टिकल क्या है? पॉजिटिव पार्टिकल. देखो ना यहां पे, हीलियम से जब मैंने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो जो हीलियम पॉजिटिव चार्ज बचा उसको, इसी पॉजिटिव चार्ज को हम लोग अल्फा पार्टिकल बोलते हैं. उम्मीद करता हूं अल्फा पार्टिकल क्लियर हो गया है. मैं छोटी छोटी चीजों को भी एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको इजी जाए, ठीक है. तो ये था हमारा अल्फा पार्टिकल, हाँ, जो कि 4 टाइम्स ज्यादा है हाइड्रोजन एटम से. हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक मास, इसका 4 होता है, 4 टाइम्स ज्यादा है. खैर, तो यहां से जब अल्फा पार्टिकल वे निकलना चालू हो गया, अल्फा पार्टिकल बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स यहां से आने लग गए. तो उन्होंने जो सेटअप रखा था, सेटअप में गोल्ड का फॉइल लिया, गोल्ड फॉइल जिसकी थिकनेस थी 0.0004 सेंटीमीटर. कितना छोटा? 0.004 सेंटीमीटर, इतना पतला लिया था उन्होंने गोल्ड फॉइल थिकनेस, ठीक है. तो वो जरूरी नहीं गोल्ड का, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर तीनों से भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था. तो जब फॉइल लिया तो, और उसके चारों तरफ उन्होंने एक ZnS स्क्रीन, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी, ठीक है, जिंक सल्फाइड की. तो जिंक सल्फाइड की जब स्क्रीन लगाई तो देखने की जब भी वो टकरा रहा है, जो अल्फा पार्टिकल है जब भी टकरा रहा है तो फ्लैश दे रहा है. यहां पे दिख रहा है आपको ये रेड कलर से जो लाइंस है, ये सब लाइंस, ये सब फ्लैश है. तो उन्होंने नोटिस किया, यार जब भी वो टकरा रहा है ना वो फॉइल से, तब भी फ्लैश आ रहा है. तो उन्होंने देखा कि 99% अप्रॉक्स 99% जो है अल्फा पार्टिकल्स उसका फ्लैश यहां पे आ रहा था. इसका मतलब यह है कि 99% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास हो गया, इसके आर पार हो गया यहां से. अगर हम थॉमसन एटॉमिक मॉडल की बात करेंगे तो उन्होंने क्या बोला, जो प्रोटॉन है वो स्प्रेड है और इलेक्ट्रॉन अंदर एम्बेडेड है. तो प्रोटॉन चारों तरफ अगर स्प्रेड रहते, जिस तरह मैंने वाटरमेलन का एग्जाम्पल दिखाया, मान लो अगर वाटरमेलन में, अगर वहां पर मैं वाटरमेलन रख दू, वाटरमेलन, तो आप जब रेस को यहां से करोगे तो मैक्सिमम रेज क्या होगी, उस सीड से जो पॉजिटिव पार्टिकल से उससे टकरा के वापस आ जाएगी. लेकिन यहां पे क्या हो रहा था, 99% अल्फा पार्टिकल आर पार हो रही थी. मतलब ये तो क्लियर हो गया कि उनका जो मॉडल था वो सही नहीं था, क्योंकि अगर उनका मॉडल सही होता तो सारी की सारी रे वापस नहीं आती ना. बट सिंपल सा एग्जाम्पल आप देख लीजिए बेटा, मैं यहां पर बताता हूं, यहां देख लीजिए कि उनके हिसाब से पॉजिटिव पार्टिकल स्प्रेड ओवर थे चारों तरफ और इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन दैट.
तो जब यहां से रे जाएगी बेटा तो टकरा के वापस जाएगी ना, देखो ना अच्छा पॉजिटिव पार्टिकल है, जहां पे नहीं है वहां तो ठीक है नहीं आएगी, लेकिन जहां पे पॉजिटिव पार्टिकल है वहां से टकरा के तो वापस आएगी। लेकिन यहां पे क्या हो रहा था, आर पार जा रही थी। इसका मतलब तो ये साफ हो गया कि वो जो हमारा एटम है उसमें खाली जगह है, एम्प्टी स्पेस ज्यादा है, एम्प्टी स्पेस ज्यादा है। और कुछ पार्टिकल्स, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स स्लाइटली टर्न, थोड़े से वो टर्न हो गए, थोड़ा सा उनका क्या आया, टर्न हो गया आया। जैसे मान लो यहां पे आ गया या यहां आ गया, ये तो थोड़ा सा टर्न हुआ। और 20,000 में से 20,000 में से सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल वापस उसी डायरेक्शन में चला गया, वापस उसी डायरेक्शन में चला गया। मतलब मैं यहां पे बता रहा हूं कि जो फॉइल था, अब यहां पे एक जो अल्फा पार्टिकल था 20,000 में से जो एक अल्फा पार्टिकल था वो आने के बाद यूटर्न मार लिया, उसने यूटर्न मार लिया, मतलब टकराने के बाद वो वापस गया। इससे ये पता चलता है कि जो एटम का जो स्ट्रक्चर है स्फेरिकल तो है, लेकिन उसके सेंटर में कुछ तो है, उसके सेंटर में कुछ तो है। तभी क्या हो रहा बेटा, तभी देखो ना टकरा के यू टर्न मार रहा है कि नहीं, कोलिजन के बाद ही यू टर्न मार रहा। तो इस तरह हुआ रहेगा, जो अल्फा पार्टिकल्स जो हुए रहेंगे वो अल्फा पार्टिकल्स आर पार जा रहे थे यहां पे, यहां पे इस तरीके से देख लो। और जो कुछ अल्फा पार्टिकल थे वो यहां पे जब आए होंगे तो स्लाइटली वो डेविएट हो जाएंगे, या तो यहां पे ऐसे आ गए होंगे, तो टकराने के बाद इस तरह से आ गए होंगे, डेविएट हो गए होंगे जो इस एंगल पे लगा होगा। और जो बिल्कुल सेंटर पे गया होगा वो क्या है, वापस आ रहा, जो मैंने यहां पर ड्रॉ किया है। देखो यहां पर अल्फा पार्टिकल्स आए जो इनके एकदम सेंटर पे था, कॉर्नर पे, देखो ये वाले डायग्राम में कॉर्नर पे लगा है तो थोड़ा सा डेविएट हो गया। ये डायग्राम देखिए, ये डायग्राम है, सेंटर पे टकरा के इसने यू टर्न मार लिया, ठीक है, और बाकी जगह से जा रहा है तो आर पार जा रहा है, बाकी जगह से आर पार जा रहा है कि नहीं। तो बाकी जगह से क्या हो रहा है, वो आर पार जा रहा है, इसका मतलब क्या कि वो जगह पूरा पूरा खाली है। तो रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया, उनका ऑब्जर्वेशन था कि जो मैक्सिमम पार्टिकल्स अल्फा पार्टिकल्स 99% अप्रोक्सीमेटली वो आर पार जा रहे हैं। इसका मतलब एटम में स्ट्रक्चर ऑफ एटम के जो स्ट्रक्चर था उसके में खाली जगह है, पूरा पूरा ये खाली जगह है, जिसको उन्होंने एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट बोला। क्या बोला, क्या बोला, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट बोला, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। और उसके सेंटर में उसका पूरा मास, ये पता चला ना भाई, उसका मास सेंटर में है, चारों तरफ खाली जगह, उसका मास सेंटर में, तभी तो मास जहां पे था वहां पे टकरा के वापस आया। मतलब उसका मास जो है वो बिल्कुल सेंटर में है, इसका मास जो है वो सेंटर में है। और वहां पे क्या है, वहां पे प्रोटॉन है, वहां पे क्या है, वहां पे प्रोटॉन है सेंटर। तो पूरा का पूरा मास सेंटर में है। तो कंक्लूजन ये मिला कि ऑल द मासेस ऑफ एन एटम, ऑल द मासेस ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द सेंटर ऑफ द एटम। एटम का पूरा पूरा मास कहां कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, उसके सेंटर में हो रहा है, तभी तो वहां से टकरा के वेव्स वापस आ रही थी, अल्फा पार्टिकल वापस आ रहा था। तो पूरा का पूरा मास कहां पे है, सेंटर में, ठीक है। तो अगर सेंटर में है पूरा का पूरा मास, इसलिए वो टकरा के वहां से वापस आ रहा था। तो उसी को उन्होंने बोला न्यूक्लियस, एक नया टर्म दिया न्यूक्लियस, की जहां पे उस सेंटर ऑफ द एटम को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, मतलब जहां पे एटम का पूरा पूरा मास कॉन्सेंट्रेट है वहां पे प्रोटॉन है, उसको पूरा पूरा हमने क्या बोला, उसका नाम रख दिया हमने न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन जो है वो चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम है कि उसको नेग्लिजिबल माना गया, ठीक। तो इस तरीके से वो क्या हो गया, इस तरह से स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पता चला। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल अभी हमने देखा, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने जो प्रपोज किया मॉडल, उसको हम लोग रदरफोर्ड न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस हुआ था। तो न्यूक्लियर एटम ऑफ रदरफोर्ड, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ रदरफोर्ड भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में कुछ पोस्टुलेट्स बता दो, दो तीन पॉइंट,
तो हम पहली बात क्या बोलेंगे, पहली बात हम बोलेंगे कि रदरफोर्ड ने बताया उनके एक्सपेरिमेंट से, क्या बताया कि ऑल द मास ऑफ एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द सेंटर ऑफ एटम. क्या बोला उन्होंने, ऑल द मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, इन द सेंटर ऑफ एन एटम. एटम के सेंटर में, जिसको क्या बोला उन्होंने, न्यूक्लियस. ठीक है, एन एटम, ऑल द मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, सेंटर ऑफ द एटम विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस. वेरी गुड, न्यूक्लियस. उसको उन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया, यहीं से डिस्कवरी हुई थी न्यूक्लियस की. तो अभी तक तो हमको यह पता था कि न्यूक्लियस के अंदर पूरे के पूरे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स हैं. पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो प्रोटॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अंदर है और इसके चारों तरफ का पार्ट जो है वो खुला है. ठीक. दूसरा पोस्टुलेट आप बोल सकते हैं ऐसा, द डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस इज 10^-12 टू 10^-13 सेंटीमीटर, इसके रेंज में होता है, इतना छोटा होता है न्यूक्लियस. उन्होंने बताया कि अगर कोई एटम है तो उस एटम का जो ये न्यूक्लियस है इसका डायमीटर जो है, इसका डायमीटर कितना है, 10^-12 टू 10^-13 सेंटीमीटर. ठीक है, और पूरे एटम का डायमीटर, मतलब अगर मैं डायमीटर यहां से यहां तक की बात करूं तो पूरे एटम का डायमीटर जो है, द डायमीटर ऑफ एन एटम इज 10^-8 सेंटीमीटर, 10^-8 सेंटीमीटर. तो कितना डिफरेंस हो गया, डिफरेंस निकाल लो. ऐसे बोल देता हूं, द डायमीटर ऑफ एटम डिवाइड बाय द डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस. डायमीटर ऑफ एटम इज 10^-8, न्यूक्लियस इज 10^-13, 10^-8 इसको ऊपर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा, प्लस 10^+13, इट विल बी 10^5, 13^8, 5. मीन्स वॉट, मीन्स ये हो गया जो एटम होगा, देखो ना क्या आया हमारा, डायमीटर ऑफ एटम अपॉन डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू 10^5, मतलब 1, 2, 3, 4, 5. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, आपको कुछ ऐसा मिलेगा कि डायमीटर ऑफ एटम इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस. है कि नहीं, क्या मिलेगा हमको कि डायमीटर ऑफ एटम जो है वो कितना टाइम्स बड़ा है, 1 लाख टाइम्स बड़ा है डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से 1 लाख टाइम्स बड़ा है. मतलब ये पूरा डायमीटर जो है वो 10^-8 क्या है, माइनस एटम का 8, और ये जो है 10^-12. मतलब ये जो हमने अभी जो निकाला वो ये निकाला, ये कितना आया 10^5 डायमीटर, जिसको उन्होंने बोला एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, जिसको उन्होंने क्या बोला, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. ठीक है, ये तो न्यूक्लियर पार्ट हो गया जहां पे पूरा का पूरा मास है और इसके चारों तरफ ये सबको उन्होंने बोला एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, जिसका डायमीटर 10^5 मीटर है. उसके बाद और आप एक और पॉइंट अगर आपको बोलना रहेगा तो एक पॉइंट और बोल देना, मैं इसको इरेज कर देता हूं. एक पॉइंट और क्या बोलेंगे आप, ऐसा बोल देना, वॉल्यूम बोल देना इसका क्या है, वॉल्यूम. चलो वॉल्यूम भी निकाल देते हैं, 10^5 डायमीटर क्या है, 10^-8, 10^-8 का क्यूब अपॉन 10^-13 का क्यूब, वॉल्यूम निकाल रहा हूं, उसमें क्यूब कर रहा हूं, -8 × 3 = 24, 13 × 3 = -39, 10^-24 इंटू 10^39 क्या आएगा, 15,
10 टू द पावर 15, वॉल्यूम क्या हो गया इसका, 10 टू द पावर 15, किसका वॉल्यूम, एटम, एटम का वॉल्यूम कितना होगा, 10 टू द पावर 15 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, द वॉल्यूम ऑफ एटम इज 10 टू द पावर 15 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ द एटम इज, जैसे वहां पे था, अब यहां पे क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ एटम इज 10 टू द पावर 15 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से कितना बड़ा होता है एटम वॉल्यूम में, 10 टू द पावर 15 टाइम्स, ठीक है। तो ये था हमारे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स, ये तीन चीजें एनफ है, ठीक है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को साइंटिस्टों ने सोलार सिस्टम से कंपेयर किया था और इनको उन्होंने प्लैनेटरी एटॉमिक मॉडल ही बोला था इनके मॉडल को, क्योंकि इन्होंने क्या बोला था कि जो हमारे पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं वो एटम के सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड हैं, जिसको उन्होंने न्यूक्लियस बोला, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या हो रहे हैं, क्लोज्ड ऑर्बिट, इन सर्कुलर ऑर्बिट घूम रहे हैं वो, उन्होंने बोला। रदरफोर्ड ने क्या बोला, रदरफोर्ड ने बोला कि जो प्रोटॉन्स है, जो इसका पूरा पूरा मास है, वो एटम के सेंटर में है, जिसको न्यूक्लियस बोला, और इलेक्ट्रॉन क्या है, एक ऑर्बिट में बाहर में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है वहां पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, किसने बोला, रदरफोर्ड ने। तो इसको हम लोग प्लैनेटरी मॉडल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। हालांकि ये सोलार सिस्टम से सिमिलर नहीं है, बहुत ही ज्यादा डिसिमिलर है, सोलार सिस्टम में ग्रेविटी की वजह से अट्रैक्शन है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से अट्रैक्शन है कि नहीं। सोलार सिस्टम का जो पाथ का है उसका पाथ डिफरेंट है, लेकिन इसका पाथ सेम है कि नहीं, तो उसकी वजह मैच नहीं करता, बट उन्होंने बोल दिया था। खैर, तो ये बात थी रदरफोर्ड की, ठीक है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ये भी एक्सेप्टेड नहीं हुआ, इनमें भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, तो आइए देखते हैं हम ड्रॉबैक्स क्या थे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के। देखिए, अगर मैं ड्रॉबैक्स की बात करूं, इन्होंने क्या बोला, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो चारों तरफ घूम रहे हैं, ठीक, चारों तरफ घूम, तो कोई भी चार्ज पार्टिकल्स, मैक्सवेल आया और मैक्सवेल ने, याद रखना, मैक्सवेल ने थ्योरी दी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो जब मैक्सवेल आए तो उन्होंने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एनी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स, या ऐसा हर एक चार्ज पार्टिकल्स जो मूव करता हो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स, एनी चार्ज पार्टिकल मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहा है अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से, तो इट विल कंटिन्यू लूजेस एनर्जी, कंटिन्यूअसली लूजेस एनर्जी। क्या बोला उन्होंने कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहा है, तो उन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक। तो मैक्सवेल की थ्योरी से यह पता चलता है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहा है किसी अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से, या आप उसको बोलो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहा है, तो वो लूज करेगा एनर्जी, इट लूजेस एनर्जी कंटिन्यूअसली एंड एमिट रेडिएशंस एंड मस्ट एमिट रेडिएशंस। मतलब उनके अकॉर्डिंगली अगर इलेक्ट्रॉन मान लीजिए मूव कर रहा है और मूव करेगा, जब एनर्जी लूज करेगा, तो एनर्जी लूज करते 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 एक ऐसा टाइम आएगा कि वो न्यूक्लियस में जाके कोलैप्स कर जाएगा, इट विल फॉल डाउन इन द न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन फॉल डाउन हो जाता है, कोलैप्स कर जाता है, तो एटम स्टेबल ही नहीं रहा। सो ही डिड नॉट और ही कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ठीक है, वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ही कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। उन्होंने किसके बारे में नहीं बताया, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। अगर ये एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स हैं और अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से ये मूव कर रहा है,
तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, मैक्सवेल ने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है, देन इट मस्ट लूज एनर्जी कंटिन्यूअसली एंड एमिट्स रेडिएशंस। जब एनर्जी लूज करेगा तो इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ये न्यूक्लियस के नजदीक आ जाएगा एंड इट विल फॉल डाउन, इट विल कोलैप्स इनटू द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में अगर वो इलेक्ट्रॉन चला गया तो एटम स्टेबल ही नहीं रहेगा ना, एटम विल डिस्ट्रॉय, जबकि एटम एग्जिस्ट कर रहा है ना, एटम एग्जिस्ट कर रहा है ना भाई, तो एटम की स्टेबिलिटी को बता ही नहीं पाए, जबकि एटम स्टेबल हो रहा है, एटम स्टेबल है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये स्टेबिलिटी को नहीं बता पा रहा था। क्योंकि देखो ना, अगर ऐसा सही है तब तो एटम रहना चाहिए, लेकिन एटम ब्रेक हो रहा है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट से बताया कि 10^-8 सेकेंड में ये बोहर ने एक्सपेरिमेंट किया था, बोहर ने, आगे हमको बोहर एटमिक मॉडल पढ़ना है, बोहर ने बताया था कि 10^-8 सेकेंड में ये कोलैप्स कर जा रहा है। जो उनकी कमी थी वो बोहर ने बताई थी कि 10^-8 सेकेंड में ये इलेक्ट्रॉन कोलैप्स कर रहा है, तो फिर एटम का एग्जिस्टेंस है ही, ठीक है, ये एक बात। और दूसरा, तो पहला हम लिखेंगे ही कुड नॉट एक्सप्लेन और ही डिड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। दूसरा उनका जो ड्रॉबैक था, दूसरा ड्रॉबैक ये था बच्चों कि उन्होंने एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं बताया था, लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं बताया था, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं बताया था। अब ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या है, इन चीजों को आगे समझेंगे, फिलहाल बस ऐसे याद रखो कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या है उसको मैं आगे लूंगा, यहां तक उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया रहेगा, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम मोजली एक्सपेरिमेंट, जहां पे एटॉमिक नंबर के बारे में बात होगी। मोजली एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने एटॉमिक नंबर के बारे में बताया, क्योंकि इसके बाद ही डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन है, ठीक है। अभी मोजली से पहले एक साइंटिस्ट थे रोएंजेन, रोएंजेन 1895 में रोएंजेन साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसका सेटअप कुछ इस तरीके से था। ये था कैथोड और ये था एनोड, ठीक है। तो यहां से क्या हो रहा है, यहां पे एक उन्होंने मेटल टारगेट रखा, मेटल, तो जब कैथोड रे यहां से आ रही थी, कैथोड रे, यहां ऐसा बनाता हूं, दिस इज द कैथोड प्लेट, यहां से कैथोड रे एनोड की तरफ मूव कर रही थी, तो इस मेटल को टारगेट के पे रखा। तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैंने ऑलरेडी बताया है आपको कि जब एनोड कैथोड रे के रास्ते में कोई हम हैवी मेटल रख देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, वो पेनिट्रेट करके वहां से जो रे निकलता है वो कौन सा रे निकलता है, एक्स रे, कौन सा रे निकलता है, एक्स रे। मान लो किसी डिफ्रैक्शन यूनिट पर हमने इसको जमा कर लिया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सरे, ठीक है। उन्होंने एक्सरे के बारे में बताया कि कैथोड रे जब एनोड की तरफ जाती है या कैथोड रे के रास्ते में जब हम कोई हैवी मेटल रख देते हैं तो उसको पेनिट्रेट करके वहां से जो रे निकलती है उसको एक्सरे बोलते हैं। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से एक्सरे निकाला और बहुत सारा एक्सरे स्पेक्ट्रम बनाया। उसके बाद में 1912 to 1915 हेनरी मोजली ने लगभग 38 डिफरेंट स्पेक्ट्रम बनाया एक्सपेरिमेंट से, 38 अलग अलग स्पेक्ट्रम बनाया, 38 डिफरेंट स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रा इज अ प्योर फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम,
स्पेक्ट्रम तो बेटा आप नॉर्मली जानते ही होगे जो आपने 10th लेवल पे पढ़ा है कि एक प्रिज्म होता, वहां से व्हाइट लाइट को जब हम पास कराते तो वो सेवन लाइट्स, सेवन कंपोनेंट लाइट्स में टूट जाता, जिसको हम विवजी और बोले थे, वो तो मालूम होगा आपको। तो जिस बैंड पे वो लाइट जमा होता है उस बैंड को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो इसी तरह उन्होंने एक्सरे के बहुत सारे स्पेक्ट्रम, एक्सरे का बहुत सारा स्पेक्ट्रम बनाया, लगभग 38 डिफरेंट स्पेक्ट्रा उन्होंने लगभग किया, एल्यूमिनियम से लेके गोल्ड तक के एलिमेंट पर, एल्यूमिनियम से लेके गोल्ड तक के एलिमेंट पे, और सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किया। और जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किया तो उन्होंने क्या फाइंड आउट किया, उन्होंने फाइंड आउट किया कि जो एटॉमिक मास है, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है तो एटॉमिक मास भी ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। और ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से था, वो ग्राफ कुछ इस तरीके से था, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे थे तो कुछ इस तरीके से एटॉमिक मास जो है ना वो बढ़ रहा था, कुछ इस तरीके से एटॉमिक मास बढ़ रहा, क्या बढ़ा रहे थे, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे थे, तो अंडर रूट वी, और ये यहां पे दिया था उन्होंने एटॉमिक मास, एक्चुअली न्यू, न्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो वहां पे उन्होंने न्यू लिया और यहां पे उन्होंने एटॉमिक मास लिया, तो क्या देखा कि ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। मैं एक और ग्राफ बना रहा हूं, यहां पे दिख रहा है ना, हाँ। दूसरा ग्राफ उन्होंने एटॉमिक नंबर के रिस्पेक्ट में बनाया, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और ये भी अभी तक पता चल गया था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को एटॉमिक नंबर बोलते हैं, ठीक है। अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर, बट उन्होंने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिया, एक एक्सपेरिमेंट उसके मास पे किया, एटम का कितना मास है, तो देखा ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। जब उन्होंने एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे लिया, तो जो अंडर रूट न्यू यानी कि जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थी, क्या देखा उन्होंने, लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। जो मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूं ना, आप उस पर ध्यान दीजिए, लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, यहां देखिए इस लाइन में देखो कहां है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन यहां पे देखो बिल्कुल लाइन पे है। तो बिल्कुल प्रिसाइज जो फ्रीक्वेंसी एकदम अच्छे से आ रही थी, प्रिसाइज आ रही थी, वो इन द केस ऑफ एटॉमिक नंबर आ रही थी, इन द केस ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन। जब उन्होंने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के टर्म में अरेंज किया तो बहुत ही सही आ रहा था। और फिर उन्होंने एक इक्वेशन दिया था, जो इक्वेशन था अंडर रूट न्यू, अंडर रूट न्यू इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी, ए इंटू जेड माइनस बी, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट, कुछ टर्म है कॉन्स्टेंट, और जेड इज एटॉमिक नंबर, और न्यू क्या है हमारा फ्रीक्वेंसी। तो उन्होंने जेड को पहली बार बोला एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये तो हम जानते हैं, लेकिन उस टाइम में पहली बार ही आया। फिर हेनरी मोजली ने पीरियडिक टेबल बनाया, जिसको हम मॉडर्न पीरियडिक टेबल के नाम से भी जानते हैं। जब मैं पीरियडिक टेबल वाला सीरीज चालू करूंगा तो पीरियडिक टेबल में भी ये चीज वापस में बताऊंगा और थोड़ा सा इलैबोरेट कर दूंगा वहां पे, कि हेनरी मोजली ने इसी बेसिस पे पीरियडिक टेबल तैयार किया जो आज मॉडर्न पीरियडिक टेबल हम पढ़ते हैं, और सबसे अच्छा पीरियडिक टेबल है अभी तक एटॉमिक नंबर के सीक्वेंस में। तो एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ सीक्वेंस इन पीरियडिक टेबल, एंड इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो, जितने प्रोटॉन होते उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तभी तो एटम न्यूट्रल होगा। तो इस तरह एटॉमिक नंबर के बारे में पता चला, और डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर बोल दो तुमने, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसने बताया, हेनरी मोजली ने बताया, ठीक है। ये इक्वेशन कहां से आया, कैसे आया, कोई लेना देना नहीं है, बस उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करके इक्वेशन दिया वो मैंने आपको बता दिया। ए एंड बी की वैल्यूज क्या, उससे भी कोई लेना देना नहीं है, बस कुछ कॉन्स्टेंट उन्होंने लिया, क्योंकि आप देख लो भाई कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है उसमें साइंटिस्ट कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट लेते ही लेते हैं, क्योंकि प्रूफ करने के लिए उनको कुछ चाहिए, प्रूफ होता नहीं है तो कॉन्स्टेंट की रिक्वायरमेंट होती है। सही मायने में मैं सच बता रहा हूं कि प्रूफ तो एक्चुअली होता नहीं है, अगर प्रूफ हो जाता तो कॉन्स्टेंट की जरूरत ही नहीं होती, बट वो कॉन्स्टेंट लेते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। खैर बाय द वे ये क्लियर हो गया आपको, ये था मोजली एक्सपेरिमेंट, जिसकी वजह से उन्होंने क्या बताया कि एटॉमिक नंबर इज मोर प्रिसाइज देन एटॉमिक मास टू अरेंज द एलिमेंट्स इन प्रेडिक्टेबल, ठीक है।
मैं भी प्लेट टेबल में चला गया, बट कोई नहीं, यहाँ आपको समझ में आया रहेगा क्या बताया मैंने भी, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद साइंटिस्ट का नाम था वैन डेन ब्रॉक, ठीक है, वैन डेन ब्रॉक। स्पेलिंग देख लेना दोस्तों, हो सकता है मिस्टेक हो। तो इन्होंने 1913 में यह बात बता दिया था जो अभी मोजली ने बोला था, क्या, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, द एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एज वेल एज टोटल चार्ज ऑन द एटम, चार्ज ऑन द एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड सीरीज इनप्रेडिक्टेबल। वैन डेन ब्रॉक ने इस चीज बता दिया था, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो है बेटा वो है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। अभी तक हमने देखा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, फिर प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, बाद में साइंटिस्ट इंटरेस्ट ले रहे थे कि यार ये अरेंज कैसे है, एटम का स्ट्रक्चर कैसे है, किस तरह इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उसमें हमने सबसे पहले जेजे थॉमसन का मॉडल देखा, उन्होंने क्या बोला कि प्रोटॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रोटॉन्स आर स्प्रेड ओवर स्फेरिकल शेप एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड इन दैट, जिसको उन्होंने बोला एग्जांपल लेके प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से। उसके बाद उन्होंने रदरफोर्ड का मॉडल देखा, रदरफोर्ड ने क्या बोला कि नहीं ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनके प्रैक्टिकल के हिसाब से वो क्या हो रहा था, गोल्ड फॉइल से मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर जो थे वो 99% जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो आर पार हो रहे थे, तो इसलिए पता चला कि वहां पे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है और बीच में ही सारा का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसको उन्होंने न्यूक्लियस बोला। तो इस तरह डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस हुई। हाँ, तो अब डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के बाद ये चल रहा था एटॉमिक नंबर के बारे में, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में, ठीक है, जिसको एटॉमिक नंबर उन्होंने बोला। अब साइंटिस्ट ये बोले कि अगर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है, अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो एटॉमिक, एटम तो न्यूट्रल हो गया, आप बात तो ठीक है, तो एटम का मास ज्यादा क्यों हो रहा है। कार्बन में जो कार्बन का एटॉमिक मास है वो 12 है, कार्बन का, अगर कार्बन ही ले लेता हूं मैं, कार्बन का एटॉमिक मास है 12, जबकि इसका एटॉमिक नंबर है 6, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 6 प्रोटॉन होंगे। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लिजिबल दिया जाता है, तो प्रोटॉन 6 हैं लेकिन एटॉमिक मास तो 12 है, तो बाकी के 6 कहां हैं, तो कुछ तो है इसके अंदर, तीसरा फंडामेंटल पार्टिकल है कि नहीं, खुद सोचो ना। देखो मैं वापस बोलूंगा, इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लिजिबल मास है कि बहुत छोटा है, तो एटॉमिक नंबर 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 6, तो बाकी का कहां है चीज। और जितना चार्ज रहेगा, जितना प्रोटॉन रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो तो न्यूट्रल हो गया। तो यार उन्होंने देखा कि बाकी का जो 6 है वो क्या है, तो तीसरा फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में ढूंढना चालू किया साइंटिस्ट, ठीक। तो 1920 में ही रदरफोर्ड ने सजेस्ट कर दिया था कि कोई तीसरा फंडामेंटल पार्टिकल है जो प्रोटॉन के साइज का ही है, प्रोटॉन का मास के बराबर ही है, और ये बात सच हुआ। उन्होंने जो सजेस्ट किया था कि एक ऐसा तीसरा फंडामेंटल पार्टिकल है जिसका मास अप्रॉक्स प्रोटॉन के मास के बराबर है, और यही हुआ, उसका मास अप्रॉक्स प्रोटॉन के मास के बराबर हुआ, और जितना प्रोटॉन का मास है उतना ही न्यूट्रॉन के मास को भी लेते हैं। बिल्कुल जो आपने प्रोटॉन का मास पढ़ाया था मैंने पिछले लेक्चर्स में, बिल्कुल वही न्यूट्रॉन का मास भी है। 1920 में सजेस्ट किया था, किसने सजेस्ट किया था, रदरफोर्ड। बाद में 1932 में चैडविक, जेम्स चैडविक ने एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ कर दिया कि हाँ भाई तीसरा जो पार्टिकल है वो क्या है, न्यूट्रॉन है। तो मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं इसको। सो चैडविक इन 1932, जेम्स चैडविक बॉम्बार्डेड द बेरिलियम टू द अल्फा पार्टिकल, बॉम्बार्डेड द बेरिलियम इन 1932, जेम्स चैडविक बॉम्बार्डेड द बेरिलियम टू द स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल। क्या कर रहे हैं, बेरिलियम को बॉम्बार्ड किया अल्फा पार्टिकल को, मैंने पहले ही बोला था बेटा हीलियम 2-4, तो उनको मिला कार्बन 6-12 प्लस न्यूट्रॉन
देखो 4 2 6 6 3 0 हो गया, 9 4 13 है, 13 - 12 = 1, ओके 13 - 12 = 1। तो ये चीज हो गई बेटा न्यूट्रॉन, यहां पे देखो मिला। तो उन्होंने जब ये बॉम्बार्ड किया तो देखा एक रे है जो ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो रही है ना ही मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है। इसे ये पता चला कि ना तो ये नेगेटिव चार्ज है ना तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये कौन सा चार्ज है, न्यूट्रल, नो चार्ज, क्योंकि ना इलेक्ट्रिक फील्ड ना मैग्नेटिक फील्ड अफेक्ट कर रहा था। जबकि मैंने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में बताया था कि वो अफेक्ट हो रहे थे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पे रखा जाता था तो वो उसके अकॉर्डिंगली काम करते थे। प्रोटॉन के केस में क्या था, डेविएट हो रहा था, ठीक है, अट्रैक्शन या रिपल्शन हो रहा था, और मैग्नेटिक फील्ड रखने पे डेविएशन हो रहा था, बट यहां पे कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। तो उन्होंने बोल दिया उसको न्यूट्रॉन, और ये उसका एक इक्वेशन है जेम्स चैडविक। तो ये थी बेटा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। अब कुछ टर्म्स को देख लेते हैं, जैसे पहला है हमारा एटॉमिक नंबर। क्या एटॉमिक नंबर, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर, ठीक है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर, ठीक है। उसी तरह एटॉमिक मास नंबर क्या है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड एज एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को एड करने के बाद क्या मिलता है, एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। और इसको हम लोग न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। एटॉमिक नंबर हो गया, एटॉमिक मास नंबर हो गया। तीसरा टर्म देखते हैं आइसोटोप्स। देखो ये एक ग्रीक वर्ड है, आइसोस का मतलब सेम और टोप्स का मतलब पोजिशन, टोप्स का मतलब पोजिशन। सबसे पहले आइसोटोप के बारे में सॉडी ने बताया था, सॉडी आइसोटोप के बारे में सबसे पहले सॉडी ने बताया था, वो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट में, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, आइसोटोप ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट का आइसोटोप सबसे पहले सॉडी ने बताया था। बाद में 1919 में थॉमसन ने नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट, नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट नियॉन, नियॉन का उन्होंने बताया आइसोटोप्स, नियॉन का आइसोटोप्स बताया, तब ये पता चल गया कि आइसोटोप सिर्फ रेडियो एक्टिव ही नहीं बल्कि किसी भी एलिमेंट का होता है मैक्सिमम। अभी तक टोटल 1000 आइसोटोप्स पता हो चुके हैं, अंटिल नाउ 1000 आइसोटोप्स हैव बीन आइसोलेटेड। अब आइसोटोप्स का मतलब समझो भाई, सेम पोजिशन क्या बोल रहा हूं तब से मैं, आइसोटोप्स का मतलब ये होता है द एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, द एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, अगर एटॉमिक नंबर सेम होगा तो सेम एलिमेंट होगा, सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है सेम एलिमेंट का, उसको हम बोलते हैं आइसोटोप। एग्जांपल देख लो, हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 1 2, हाइड्रोजन 1 3। उससे पहले मैं बता दूं जो एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास नंबर है उसको हम इस तरह से इंडिकेट करते हैं, ई फॉर एलिमेंट, ठीक है,
ये मान लो आप x और ये मान लो आप y, ठीक है. E stands for element, x is for atomic number and y is atomic mass number. तो किसी भी एलिमेंट को अगर हम किसी भी एलिमेंट के हमको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं एटम एलिमेंट और उसका एटॉमिक नंबर. जैसे मान लीजिए मुझे लेना है कार्बन का, तो कार्बन इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक मास नंबर 12 होता है, तो मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर, ठीक है. तो वही मैंने इसको रिप्रेजेंट किया, 1 1 मतलब इसका एटॉमिक मास 1, एटॉमिक मास 2, एटॉमिक मास 3. क्या देख रहे हैं हम, क्या देख रहे हैं, देखो ना एटॉमिक नंबर तो सबका सेम है. यहां पे ऐसा बनाता हूं, एटॉमिक नंबर तो सेम है, 1 1 1 देखो ना 1 1 1, लेकिन एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर अलग है. इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है. इसका क्या मतलब है, इसका यह मतलब है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 मतलब प्रोटॉन 1, एटॉमिक नंबर 2 मतलब प्रोटॉन 2, सॉरी एटॉमिक नंबर तो यहां एटॉमिक नंबर 1 मतलब प्रोटॉन 1, एटॉमिक नंबर 3 एटॉमिक नंबर 1 तो प्रोटॉन 1, एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्या है भाई, बारा बोल रहा हूं, एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, इलेक्ट्रॉन्स भी 1. तो अभी देखिए, या इसको हटा ही दीजिए आप, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही देखिए, प्रोटॉन 1 प्रोटॉन 1 प्रोटॉन 1, लेकिन इसका एटॉमिक मास 1 है, मतलब न्यूट्रॉन इसमें है ही नहीं, तभी तो 1 प्लस 0 इज 1, 1 आ गया. और इसमें कितना होगा न्यूट्रॉन, 1 होगा, तभी तो 1 प्लस 1 इज 2 2, और इसमें 2, 1 प्लस 2 इज 3. मतलब क्या, इसके अंदर न्यूट्रॉन 0, इसके अंदर न्यूट्रॉन 1, इसके अंदर न्यूट्रॉन 2. तो जो आइसोटोप्स होते हैं ना बेटा, आइसोटोप्स वो क्या होते हैं, न्यूट्रॉन के वजह से होते हैं, न्यूट्रॉन के मास की वजह से चेंज हो जाता है उसका मास. हाइड्रोजन का मास 1 भी है, हाइड्रोजन का मास 2 भी है, हाइड्रोजन का मास 3 भी है, ठीक है. इसको ड्यूट्रियम ट्रिटियम करके भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, प्रोटियम ड्यूट्रियम ट्रिटियम बोलते हैं इसको. इसका टर्म हाइड्रोजन एटॉमिक मास वाले 1 को प्रोटियम, सेकंड वाले को, और जिसका एटॉमिक मास 2 ड्यूट्रियम और जिसका एटॉमिक मास 3 ट्रिटियम करके बोलते हैं. तो एक सिंपल सा एक एग्जांपल बता रहा हूं, आप मार्केट जाओ, मार्केट में आलू खरीद रहे हो आप, बटाटा आलू पोटैटो जो खरीदने आप जा रहे हो, तो उस आलू का जो वजन होगा सबका अलग अलग होगा. हो सकता है कोई आलू जो, कोई आपका जो पोटैटो वो 50 ग्राम का हो, कोई 10 ग्राम का हो, कोई 15 ग्राम का हो, अलग अलग है, लेकिन है क्या पोटैटो, वैसे ही है क्या हाइड्रोजन, बस एटॉमिक मास उसका अलग अलग है, मास चेंज है. मास क्यों चेंज है, क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन का चेंज है, न्यूट्रॉन मास चेंज है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज है, किसी में है ही नहीं न्यूट्रॉन, किसी में एक न्यूट्रॉन है, किसी में दो न्यूट्रॉन. इसी तरह ऑक्सीजन का भी आप ले सकते हो, ऑक्सीजन जो होते हैं वो 816 वाला होता है, ऑक्सीजन 817, ऑक्सीजन 818, मतलब बेटा 816 माइनस 8 आप माइनस करोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, माइनस कर दो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना आ गया, 16 माइनस 8 8, 17 माइनस 8 9, 18 माइनस 8 10, मतलब इसके अंदर 8 न्यूट्रॉन्स, इसके अंदर 9 न्यूट्रॉन्स, इसके अंदर 10 न्यूट्रॉन्स. मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, ये 2020 में नीट के एग्जाम में ये एक सिंपल सा क्वेश्चन आया था जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, कितना इजी क्वेश्चन है, बस आपको पूछा था नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उन्होंने पूछा था, बिल्कुल यही मेथड. जैसे मान लो ऑक्सीजन है, यहाँ 8 है, यहाँ 16 है, अभी देखो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकाला हमने, 1 माइनस 1 देखो 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, माइनस करना है, 16 माइनस 8 8 हो जाएगा. अगर मैं बोलूँ कार्बन 12 माइनस 6 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6. ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया था ये 2020 के एग्जाम में हमारे, ये सिंपल सा इतना इजी क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप. तो आइसोटोप समझ में आया, अब आइसोटोप के बाद आता है आइसोबार्स, क्या है आइसोबार्स, तो उसको साफ कर दूं.
आइसोबार्स, ध्यान दीजिएगा, आइसोबार्स में एलिमेंट डिफरेंट होने वाले हैं, वहां पे सेम एलिमेंट थे, डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स होंगे और सबका एटॉमिक मास नंबर सेम होगा, एटॉमिक मास नंबर सेम होगा, एटॉमिक मास नंबर सेम होगा और एटॉमिक नंबर डिफरेंट एलिमेंट है तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होगा। तो डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास नंबर आर नोन एज आइसोबार्स। देखिए एग्जांपल, पोटेशियम आर्गन, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, एटॉमिक मास 40, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, एटॉमिक मास 40, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, एटॉमिक मास 40, तीनों का भी एटॉमिक मास सेम है, जबकि एटॉमिक नंबर जो है तीनों का अलग अलग है, क्योंकि तीनों एलिमेंट्स अलग है तो एटॉमिक नंबर अलग होगा, लेकिन एटॉमिक मास देखिए ना आप सेम है, तो इसको इन लोगों को हम लोग बोलते हैं दे आर आइसोबार, ठीक, आइसोबार। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा आइसोटोन्स, क्या आता है आइसोटोन्स क्या होता है, डिफरेंट एलिमेंट होंगे सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, डिफरेंट एलिमेंट होंगे बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यहां क्या देखा, सेम एटॉमिक मास नंबर, यहां पे क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज सेम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज सेम, जैसे कार्बन 614, नाइट्रोजन 715, ऑक्सीजन 816, ठीक है। अभी आप यहां ध्यान दीजिए, न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे बताया मैंने, माइनस करना है, 14 माइनस 6 8, 15 माइनस 7 8, 16 माइनस 8 8, सिंपल से समझ रहे हैं कि नहीं, बहुत इजी है। मैं इसको और अच्छे से लिख जाओ, इसको इरेज करके वापस से, नहीं तो कंफ्यूजन ना हो जाए आपको, कार्बन 614, नाइट्रोजन 714, ठीक है, सॉरी 15, एंड ऑक्सीजन 816। अब देखो यहां पे न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, माइनस करते हैं बेटा, तो 14 माइनस 6 इज 8, 15 माइनस 7 इज 8, 16 माइनस 8 इज 8, सबका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम आ रहा, तो क्या बोलेंगे, दे आर आइसोटोन्स। समझ में आया आइसोटोन्स, आइसोटोप्स हो गया, उसके अलावा आइसोबार हो गया, आइसोटोन्स हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा आइसोडायफर्स, आइसोडायफर्स देखिए, जिसके n माइनस जेड जो होंगे बराबर होंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स रहेगा लेकिन उनका n माइनस जेड जो होगा वो बराबर हो। आइए समझते हैं ये क्या है, यहां ध्यान दीजिए, आइसोडायफर्स, जैसे मैं ले रहा हूं पोटेशियम 1939, फ्लोरीन ले रहा हूं 919, चलो n मतलब यहां पे न्यूट्रॉन है बेटा, n मतलब क्या है, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन निकालो, 39 माइनस 19 इज n ना, और यहां पे 20, सॉरी 20 होगा ना, 10 ही होगा ना, 19 प्लस 10 सॉरी 20 होगा, 20 और यहां पे 19 माइनस 9 इज 10, ठीक, तो इसका न्यूट्रॉन कितना आया, 20, इसका आया 10। अब एटॉमिक नंबर क्या है, ये 19 और ये 9, क्या बोला, n माइनस जेड, चलो n माइनस जेड करो, n 20, जेड इज 19, क्या आया 1, n माइनस जेड करना, n कितना है 10, जेड कितना है 9, क्या आया 1, इसको क्या बोलते हैं, आइसोडायफर्स, क्या बोलते हैं इसको, लगता है दिख नहीं रहा आपको, क्या बोलते हैं इसको, आइसोडायफर्स। और लास्ट है हमारा आइसोस्टर्स, स्पेस थोड़ा सा मिल जाए यहां पे यूज करूं, आइसोस्टर्स, क्या बात करेंगे, आइसोस्टर्स, ठीक है, आइसोस्टर्स मैं यहां पे यूज कर रहा हूं, ये जगह पे आइसोस्टर्स,
आइसोस्टेट्स का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स, याद है अभी तक हम एलिमेंट की बात कर रहे थे, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स होंगे और दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर एटॉमिक नंबर ऑफ एटम्स सेम होंगे, किसी दो मॉलिक्यूल्स का नंबर ऑफ एटम सेम होगा, अगर नंबर ऑफ एटम सेम होगा तो इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे, जैसे एग्जांपल ले ले रहा हूं N2 एंड CO, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या होता है बेटा, नाइट्रोजन कितने एटम हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 7 इंटू 2 इज 14, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और ऑक्सीजन का 8 आया 14, देखो दोनों का क्या आया, कितने एटम्स हैं, इसको एटॉमिसिटी भी बोलते हैं, जिसके नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं तो उसको एटॉमिसिटी भी बोलते हैं, तो आप ऐसा ही बोल सकते हो कि द टू मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम एटॉमिसिटी, द टू मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम एटॉमिसिटी, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स होंगे और उनके अंदर सेम एटम्स होंगे, जैसे नाइट्रोजन N2 तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 2 तो मल्टीप्लाई बाय 2 14, कार्बन का होता है 6 तो 6, ऑक्सीजन का 8 तो 6 प्लस 8 इज 14, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोस्टर्स, ठीक है। तो एक होमवर्क करके आना आप, यूरेनियम 92 235 एंड थोरियम 90 232, थोरियम 90 232 सॉरी 231, ठीक है, यूरेनियम 92 235 एंड थोरियम 90 231, ये इसका आप आइसोस्टर्स निकालेंगे और कमेंट सेक्शन में सेंड करेंगे, और कुछ डाउट हुआ तो आप पूछ लेना, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, ये क्लियर होगा तो फिर आगे की चीजें हम देखेंगे, वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, आइसोटोप्स मतलब क्या, आइसोटोप्स का मतलब क्या, ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंदर सेम एटॉमिक नंबर होगा बट डिफरेंट अलग एटॉमिक मास, सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, उसको बोलते हैं आइसोटोप्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल था यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन वाला, हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक नंबर लेकिन एटॉमिक मास 1 है, 1 एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास 2 हो गया, एटॉमिक नंबर सेम एटॉमिक मास अलग हो गया 1 2 3 हो गया, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन का सबका बेटा क्या है, अच्छा ये दूसरी चीज मैंने लिखा है क्या, हाँ ये तो मैंने दूसरी चीज बताई है, खैर उसके बाद हमने देखा क्या, देखा आइसोबार्स, डिफरेंट एलिमेंट रहेंगे लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहेगा, एटॉमिक मास नंबर सेम रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा आइसोडायफर्स, फिर देखा आइसोस्टर्स, अगर समझ में नहीं आ रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना, मैं इसको दोबारा ले लूँ, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।